जिस दिन जो कुछ भी करना हो बेधड़क कर सकते हो उसका पुण्य फल हजारों लाखों गुना प्राप्त हो जाए, वो है फुलेरा दूज का दिन। मान लो कोई व्यापार आप कर रहे हो और कोई व्यापार ऐसा है या फिर शरीर में ऐसा कोई रोग हो गया कि धीरे धीरे शरीर गलता ही जा रहा है, कहीं शुगर पकड़ रही, कहीं बीपी पकड़ रहा, कहीं किडनी, कहीं लीवर गड़बड़ कर रहा है, कहीं नेत्रों से परेशान, कहीं श्रवण शक्ति से परेशान, कहीं घुटने से, कहीं कमर से, कहीं हाथ पैर से, तो इस तरह के तकलीफ अगर चालू है आपको, शिव महापुराण की कथा कह रही है। सबसे पहले व्यापार के लिए कि आपका अगर व्यापार नहीं चल रहा है, बहुत कष्टप्रद है, बहुत ज्यादा तकलीफ में, और व्यापार ठीक चल ही नहीं रहा, सारे उपाय कर देख लिए, सब तरह से हताश हो गए, तो एक फुलेरा दूज का कर लेना। अमर बेल के 7 टुकड़े, कितने टुकड़े? 7 अमर बेल के टुकड़े, 7 कमल गट्टे, 7 का दूध, बेलपत्री 7, शमी के पत्र 7। महाराज बेलपत्री के पेड़ के नीचे शंकर भगवान के शिवलिंग का निर्माण करना है और शंकर भगवान के शिवलिंग का निर्माण कर उसकी पूजन करना है। जैसी पूजन की थाली आप लगाकर लेकर जाते हो वैसे की वैसे लेकर जाना आपको, और शंकर भगवान का पूजन कर घी का दिया लगाकर पूरा आनंदमय पूजन स्मरण कर जो वस्तुएं आपको बताई ये सारी वस्तुएं शंकर भगवान पर समर्पित कर दो, पूर्ण चीज। दिया जब तक विसर्जन ना हो जाए, दिया ठंडा ना हो जाए, तब तक वहीं बैठिए, दिए में उतना घी डालिए जितनी देर आप पूजन कर लें बैठे। उसके बाद में बाबा के ऊपर चढ़ी हुई कमल गट्टा और अमर बेल का टुकड़ा उठाकर ले आइए, ये केवल फुलेरा दूज के दिन का है, इसके सिवा नहीं कर सकते इसको, ठीक है। और बाबा का शिवलिंग विसर्जन कर दीजिए उसको लेकर, पर ध्यान देना पहले शंकर का शिवलिंग विसर्जन करना फिर वस्तु को लेकर घर में आना। अमर बेल का टुकड़ा और कमल गट्टा ये आपको घर पर लेकर आना है, व्यापार वाली जगह में कहीं पर भी उसको लाल वस्त्र के अंतर्गत भगवान शंकर कुबेर भंडारी का नाम लेकर, कुबेरेश्वर महादेव का स्मरण कर कुबेर भंडारी का नाम लेकर, उस शंकर जी का नाम लेकर, और किसी भी जगह पर अपनी अलमारी में, तिजोरी में, बरकत स्थान पर, दुकान में, व्यवसाय में, गुल्लक में, जहां मर्जी पड़े एक जगह पर उसको रख देना। मात्र 2.5 महीना इंतजार करिए, अगर आपको लाभ ना मिले तो उठाकर विसर्जन कर देना, पर 2.5 महीने के अंदर बाबा कुबेर भंडारी धीरे 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 व्यापार में उन्नति देना प्रारंभ कर देता है, कुछ नई राहें भोलेनाथ बनाना प्रारंभ कर। क्यों? क्योंकि ये फुलेरा दूज केवल एक देवी देवता के लिए नहीं, फुलेरा दूज 33 कोटि देवी देवताओं का एक उत्सव है, भगवान कृष्ण का तो उत्सव है ही फुलेरा दूज, कि उस दिन भगवान माता राधा रानी रूठ गई और रूठी हुई राधा रानी को मनाने के लिए भगवान शंकर भगवान कृष्ण ने एक फूल फेंका, जैसे फूल फेंका तो सारी दूर हरियाली हरियाली उत्पन्न हो गई, हर जगह पर पुष्प प्रसन्न चित्त हो गए, ये कृष्ण का। जिसको शरीर में कष्ट है, बहुत ज्यादा रोग घेर रहे हैं और शरीर ठीक नहीं है, हॉस्पिटल डॉक्टर 24 घंटे चल रहे हैं, हर 2 दिन में, 15 दिन में, 8 दिन में, उसके लिए भी वर्णन किया गया कि भगवान शंकर का अनुमोदन करने के लिए एक लोटा पानी, कलश में जल, जल के अंदर दूध, दूध के साथ में शहद, शहद लेकर भगवान शंकर के मंदिर में थोड़ा सा जल समर्पित कर थोड़ा नंदीश्वर को चढ़ाकर थोड़ा सा जल बेलपत्री के पेड़ के नीचे हाथ में ले लेकर सिंचन करना। एक चढ़ाने वाली बात अलग हो जाती, एक सिंचन करने वाली बात अलग हो जाती। तो बेलपत्री के पेड़ के नीचे शहद का जल, भगवान शंकर के स्मरण का, जो व्यक्ति को रोग बहुत घेरा हुआ हो वो सिंचन करे, धीरे 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 रोग से मुक्ति हो जाती है।